विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी दल अपना अपना दमखम दिखाने में लग गए हैं, तो वहीं पार्टी के चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ होने भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव ने कसरावत विश्वास जिनिंग में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने अपने अनुज कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव एवं हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विश्वास जिनिंग में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई इस सरकार को जनता ने उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव ने भी इस अवसर पर कहा कि नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, तो हमने कसरावत के विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की है। करोड़ों रुपए के विकास कार्य कसरावत के लिए किए जाएंगे। कसरावत का कोई भी वार्ड विकास कार्य से अछूता नहीं रहेगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। नगर परिषद कसरावत द्वारा सरकार बनने के बाद, सब सुनो मेरी बात ध्यान से, भोजन की तरफ ध्यान मत लगाओ, मेरी बात पर ध्यान लगाओ, सब बहनों से कह रहा हूं ये बात, हर बहन के खाते में जनवरी 2024 के बाद सरकार बनने के बाद 1500 रुपया तुम्हारे खाते में सीधे डालने वाले। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर का, बहन का, गरीब का बिजली का बिल 100 यूनिट का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। जब हमारे कसरावत नगर परिषद के स्थानीय सरकार के को चुनने के लिए मतदान हुआ था, तो उस समय हमने कसरावत की जनता को एक वचन दिया था हमने वचन दिया कसरावत को हम भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम आदरणीय साथियों हम माता बहनों हम लोग करेंगे। और आज मुझे पूरी जनता को, पूरे नगरवासियों को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी जो नगर परिषद है और हमने जो कसरावत के नगर के लोगों को जो वचन दिया था, उस वचन पर हम 100% खरा उतरने का काम आदरणीय साथियों का। एक जो परिषद को भ्रष्टाचार का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।